किला अल जाहिली, अल जाहिली फोर्ट। और ये एक कबूतर भी बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी। एटिंग किले की मेन इमारत है, जिसमें उनकी ऑफिस वगैरह और बाकी जो जगह होंगी वो भी इंशाल्लाह। ये है जी इसका टावर किले का। लाजमी तौर पे इसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा पहले वक्तों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, मरहबा जी, आयनो बखैर रागले, वेलकम टू माई चैनल। एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आज मैं एक मुत्तहिदा अरब अमीरात के बहुत ही पुराने एक और एक बहुत ही खूबसूरत किले अल जाहिली फोर्ट में, जो कि एक बहुत ही तारीखी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है, बैकग्राउंड में दिखाता चलूँ। ये किला जैसे कि ये 1891 में ये बनाया गया था, खजूरों के काश्तकार थे कुछ, उनके तहफ़ के लिए इस किले को बनाया गया था। और तो 1905 में अलैन के दौरे में पर्सी कास्ट नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने इसमें जिक्र किया है, अल जाहिली के इलाके का दौरा किया। और 1906 में जे जी लोरिमर ने जिक्र किया कि यह किला जैद बिन खलीफा नहजान के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। किला को 1980 की दहाई के वस्त में अलैन में महकमा सारे कदीमा और अजायब घर ने बहाल किया था। बाद में 2007 और 2008 में इस किले को दोबारा अबू धाबी की लोकल अथॉरिटीज़ ने इसकी मरम्मत और बहाली का काम किया और उसको दोबारा से आवाम के लिए खोल दिया गया। तो अभी इंशाल्लाह हम चलते हैं किले के अंदर और मज़ीद आपको बताते हैं कि अंदर से कैसा है किला। बाहर से तो मैंने आपको सारा दिखा दिया, मैं आपको इसकी सराउंडिंग में व्यू करा देता हूँ। इसके सराउंडिंग में बहुत ही प्यारे बगात, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं। क्योंकि अलैन बेसिकली एक मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक खूबसूरत शहर है, जो कि ग्रीनरी से माला माल है। ये आप देख सकते हैं कि इसके तराफ में चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है माशाल्लाह। ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इसकी। अभी हम चलते हैं किले के अंदर और मज़ीद आपको कि इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लोर किया है या हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी जो पार्किंग है वो मैं आपको बता दूं, ये किले की तरफ इसकी पार्किंग नहीं है, हम इस साइड से आए हैं। तो ये यहाँ पे सारी विजिटर पार्किंग है, ये यहाँ पर सारी विजिटर पार्किंग है। अभी हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह इसके अतराफ़ में बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है। इसके अतराफ़ में एक अल जाहिली पार्क के नाम से एक पार्क भी बनाया गया है। इसका साइन बोर्ड भी मौजूद है, किला अल जाहिली, अल जाहिली फोर्ट। जी तो व्यूअर्स, अभी हम किले के दाखिली जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे मौजूद हैं और अभी हम किले के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं और ये एक कबूतर भी बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी। तो ये इनके अंदर ना बेसिकली ये जो मीनार है ना, ये जो मीनार हैं इसके अंदर कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं। किला ये बिल्कुल स्क्वायर टाइप है और इसके मीनार ये फ्रंट वाले बिल्कुल
राउंडी शेप है। दरवाजे को आप माशाल्लाह देख सकते हैं। ये जनाब यहाँ से है, ये अगर दरवाजा खुला हुआ है तो मैं आपको नहीं सॉरी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए, तो मैंने समझा कि यहाँ पे कोई किसी को ऊपर कबूतरों का है ना यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये कबूतर जहाँ बैठे होंगे। ये जनाब अंदर से मैं अभी आपको इसका पूरा व्यू करा देता हूँ। ये हम दरवाजे से अंदर आ चुके हैं, मेन दरवाजे से। ये है जनाब अल जाहली फोर्ट। Building with Earth Exhibition. शायद यहाँ पे कोई एग्जीबिशन भी चल रही है। जी ये है जी विजिटर सेंटर टेम्परेरी एग्जीबिशन। ये जी जनाब इन्होंने कोई मिट्टी से बने हुए ये रखे हुए हैं, जिनकी समझ नहीं आ रही है। अगर आप व्यूअर्स को इनकी कुछ समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह ये। अभी हम कले के अंदर आ चुके हैं बिल्कुल। ये इसकी पूरी सराउंडिंग्स है, ये वहाँ तक लास्ट तक है कला। ये आई थिंक कला की मेन इमारत है जिसमें उनके ऑफिस वगैरह और बाकी जो जगह होंगी वो भी इंशाल्लाह अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप आ सकते हैं जी। और ये कला है जाहली फोर्ट, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अलैंड सिटी में। तो अभी आगे चलते हैं और यहाँ से टावर की तरफ जाते हैं। अभी ये है जी टावर, तो अभी हम चलते हैं जी टावर की तरफ। ये साइडों से आपको दिखा देता हूँ टावर, ये है जी इसका टावर किले का। लाजमी तौर पे इसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा पहले वक्तों में टावर। ये ना बहुत ही मजबूत किला बना हुआ है, पुराने टाइम का ये बना हुआ है, लेकिन मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है ये। अंदर जाने का रास्ता मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, देखते हैं शायद ऊपर भी हम जा सकते हैं कि नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है। और ये बैक साइड पे एक ये मॉस्क बनी हुई है, जाहिली मॉस्क माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मॉस्क बनी हुई है ये गले की बिल्कुल बैक साइड में। बहुत ही प्यारा गार्डन बना हुआ है ये गले की बैक साइड में, ये आप देख सकते हैं।
अभी हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर कैसे जाया जाए। मुझे अभी तक तो कोई रास्ता नहीं मिला ऊपर जाने वाला। ये जी बिल्कुल मिल गया जी, मिल गया है। अभी हम ऊपर जाते हैं जी मजीद। ये स्टेयर है, यहाँ से इन्होंने ये किया हुआ है बंद, तो लिहाजा मजीद ऊपर शायद नहीं जा सकते, लेकिन अभी काफी ऊपर आ गए हैं हम। अभी हम जो टावर का जो सेकंड, यानी कि आप सेकंड फ्लोर इसको कह सकते हैं, अभी वहां पे हैं जहाँ से बंद है। इसके अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा ये अंदर है, काफी अंधेरा। अच्छा यहाँ से ठीक है, यहाँ से दूसरी तरफ मतलब आप जा सकते हैं। सही है, वो ऊपर मजीद नहीं जाया जा सकता। ठीक है भाई, इसी के अंदर से घूम के ये जो छोटा सा दरवाजा बना हुआ है आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अभी हम ये देखें जी, इसके बिल्कुल टावर के ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं और ये है ऊपर टावर, लेकिन मजीद ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, उन्होंने बंद किया हुआ है। तो अभी नीचे चलते हैं और अपना किले की जो मेन बिल्डिंग है अभी उस तरफ जाके देखते हैं जी। तो व्यूअर्स अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं किले की जो मेन बिल्डिंग के साथ है, किले की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अभी हम चलते हैं अंदर। माशाल्लाह इन्नल्लाहुम्मा साबिरीन, माशाल्लाह। तो यहाँ पे अभी आ चुके हैं हम जनाब, किले की जो मेन बिल्डिंग है इसके अंदर आ चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं जनाब किले की मेन बिल्डिंग के अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लालटेन, लालटेन एक बहुत ही कॉमन चीज है जो हमने यहाँ पे देखी है। ये है जनाब, ये है जनाब। ये इसकी छतें हैं सारी और सारी आखिर तक लालटेन इसमें लगी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये एक राहदारी से बनी हुई है और यहाँ भी ताला लगा हुआ है अंदर। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या है, इस रूम के अंदर। यहाँ भी ताला लगा हुआ है। इधर भी ताला लगा हुआ है। ले जी जनाब, लालटेन काफी लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन इनके अंदर लगे हुए हैं बल्ब, मिट्टी का तेल नहीं है इनमें, ये बल्ब वाली लालटेन है। ये खुला मिल गया जी हमें एक, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। खाली है बिल्कुल, लेकिन इसको सही मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने। मजीद चेक करते हैं जी, ये भी खाली है जनाब। और यहाँ से अंदर ये जो इसका एक और साइड वाला जो चार टावर है यहाँ पे,
ये टावर का अंदर से जाने के लिए रास्ता है ये जी। एक कमरा यहाँ भी मिल गया है, बहुत ही प्यारा। इनकी छतें हैं, लालटेन वगैरह लगी हुई हैं। और ये एक और कमरा मिल गया है जनाब, बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं। एक अदद कुआं भी नजर आया है, आप देखते हैं इसके अंदर पानी है या नहीं है। मुझे तो कुआं ही लग रहा है। वाओ, इसके अंदर तो पानी है। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये रोशनी में अगर नजर आ रहा हो, ये नीचे पानी है जनाब। ये मैं मोबाइल ज़्यादा आगे नहीं कर रहा, ये ना हो मोबाइल गिर ही जाए तो फिर काम हो जाएगा ख़राब। तो ये है जी कुआं। कबूतर जनाब घरों को वापस आ रहे हैं। देखिए टावर की छत के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। जो मेन, जो इनका किले की मेन बिल्डिंग है, जो मेन अंदर उसका यार्ड है, उसके अंदर ये एयर कंडीशन रूम इन्होंने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ड्राइंग सी लगी हुई है पुराने वक्तों की। और मुबारक बिन लंदन, माशाल्लाह जी। ले जी जनाब, ये देखें जी, वाओ ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पिक्चर है जी। ये जनाब आप सारी मालूमात पढ़ सकते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। ये जनाब कुछ बुलेट्स ही पड़ी हुई हैं, और इसके साथ जनाब इनके जो खंजर होते हैं, ये यहाँ का रवायती वेपन है, इनका ट्रेडिशनल वेपन है ये खंजर। तो ये कुछ जनाब इनके पुराने कुछ लाइका का कैमरा पड़ा हुआ है जी। लाइका बहुत ही फेमस ब्रांड है, और ये अरेबिक में भी इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अरेबिक में भी इन्होंने लिखा हुआ है ये। ये आई थिंक इसमें कोई लस्सी या जूस वगैरह डालते हैं। तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको मशक बोलते हैं। और ये एक पता नहीं, ये लंबा सा चार नंबर जिस पे लिखा हुआ है, ये आई थिंक मुझे नहीं इसकी समझ आ रही है। ठीक है, ये एक पुरानी एक अरब स्टाइल पिक्चर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ट्रैवल इक्विपमेंट इन अरेबिया। अ
अच्छा ये एक और अंदर छोटा सा रूम बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारी सीटिंग प्लेसेस यहाँ बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी छत भी बाकी छतों की तरह खजूर की लकड़ी के इसमें बड़े बड़े इन्होंने काट के लगाए हुए हैं छत के ऊपर, बहुत ही प्यारा छत है। और सामने ये देखने दी, इन्होंने एक LCD लगाया हुए है टाइम पास के लिए, बैठने के लिए। बहुत ही प्यारी इन्होंने ये जगह बनाई हुई है, सिटिंग प्लेसेस इसमें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मुबारक मिन लंदन। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मजीद देखते हैं कि आगे और क्या क्या है यहाँ पे। वाओ जबरदस्त, बहुत कुछ है। बाहर से तो छोटा सा नजर आता है ना, अंदर तो बहुत कुछ बनाया हुआ है। वाओ, द टू ऑफ अस विल गो विद यू वेयर एवर यू वांट, वी विल ऑलवेज बी योर मैन। वाओ वाह जबरदस्त। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये इसके बारे में, ये सारी यहाँ की फोटो गैलरी है, ओल्ड अरब पिक्चर। लोग चाय गावा काफी एंजॉय कर रहे हैं, ऊंटों के साथ सफर के लिए रवा दवा है। ये सारी इनकी पिक्चर गैलरी है। It was very still with the silence which we have driven from our world. Zabardast. ये इनकी ट्रेडिशन हिस्ट्री इसके बारे में सारा बताया गया है जनाब, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ पे आके। एक और लाजवाब पिक्चर आ चुकी है, ये देखेंगे तो मजीद पिक्चर गैलरी में आपको दिखाता चलो। शहबूर स्माइल एट मी एंड सेड दिस इज योर होम फॉर अस एज लॉन्ग एज यू विल स्टे विद अस। ये गालिबन इनकी कोई मजलिस वगैरह है पुराने वक्तों की, जबरदस्त। वाओ कोई पुराने बाजार की कोई पिक्चर है ये। लगता है ये शिकार के लिए निकले हुए थे, पहाड़ों पे खड़े हैं और अभी ये गोलियां शोलियां फोल उन्होंने लोड की हुई हैं और ये शिकार के तलाश में हैं। क्योंकि यहाँ पे गन को शिकार के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है गन को, वैसे नहीं यहाँ पे मोस्टली शिकार के लिए गन को इस्तेमाल किया जाता रहे। एक और लाजवाब पिक्चर ये आप देख सकते हैं जी। वाओ इस गैलरी में दूसरी तरफ भी कुछ फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, कुछ तहरीरें वगैरह यहाँ पे। जी तो व्यूअर्स मेरा हो गया है टूर मुकम्मल अल जाहली फोर्ट का।
उम्मीद है आप दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके दोस्तों और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। या मेरे पीछे देख सकते हैं दरवाज़ा बंद हो चुका है, टाइम बंद हो चुका है और आखिरी विजिटर मैं ही था। ये सिक्योरिटी वाले भाई ने कहा कि भाई टाइम ख़त्म हो गया, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के साथ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।